हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेलिब्रेट में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेट लेवल वन में भारतीय मुद्रा। जी हाँ साथियों, भारतीय मुद्रा के बारे में विस्तृत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और रीट के लिए बहुत उपयोगी, हर कंपटीशन के लिए उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर है फेसबुक सेल्फ हेल्प फॉर यू पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए साथियों हम चलते हैं, देखिए मुद्रा की बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो मुद्रा का प्रचलन था वो वस्तु विनिमय के रूप में होता है। पहले वस्तुओं का विनिमय किया करते थे, वस्तु हम एक दूसरे से सामान लेने के लिए। पहले जब मुद्रा नहीं थी उस वक्त सामान को देखे, जैसे कुम्हार मटके बनाता था और बदले में किसान उसको अनाज देके मटके मटकियाँ खरीदता था। जैसे नाई है दाढ़ी बनाता था, बाल काटता था, उसके बदले में उसको अनाज दिया जाता था। सबको अपनी मारी यहाँ की लोकल भाषा में खड़ी बोलते हैं और बाकी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन ये छोटे लेवल पर संभव था। उसके बाद अगर बड़े लेवल पर अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये वस्तु विनिमय संभव नहीं थी, तब मुद्रा प्रचलन में आई। भारत में सबसे पहले जो मुद्रा थी आपकी 1540 से 45 के बीच में, शेरशाह सूरी। किसने साथियों? शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के मध्य, शेरशाह सूरी ने मुद्रा का उपयोग किया था। उसने तांबे के सोने चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद उसके खत्म होने के बाद ये सिस्टम वापस लगभग खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है, अपने भारत में ये आना, जैसे इससे आने की बात करें उससे पहले हमारे यहाँ पे कोड़ी दमड़ी इस प्रकार की मुद्रा का चलन था। जैसे कहावत भी है ना, मैं तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, चमड़ी जाएगी पर दमड़ी नहीं जाएगी। यानी कि चमड़ी अपने मांस मेहनत वगैरह खूब कर लेंगे, दमड़ी का मतलब जो मुद्रा थी वो नहीं जानी चाहिए थी। अब जिसके बाद क्या, अपने पास जो मुद्रा आई थी अपने पास एक आना, क्या होगी आना, आपके पास दो आना, फिर चार आना, फिर आठ आना और ये बारह आना, सोलह आना, ये आपके पास क्या, अगर हम इसको पैसे में वर्तमान में क्या, अपनी मुद्रा जो अपनी है रुपया है, पैसा है, ठीक है ना। अब इसको 1947 से पूर्व हम क्या कहते थे और 1947 के बाद हम क्या कहते हैं, एक आना का मतलब चार पैसे थे 1947 से पहले, हम इसी प्रकार से कहते हैं, कहते हैं ये, और ये आपका आठ पैसे और चार आना का मतलब 16 पैसे, ठीक है ना साथियों, और आठ आना का मतलब 32 पैसे, ठीक है दोस्तों, और 12 आना का मतलब आपका ये हो गया 48 पैसे और 16 आना का मतलब आपका ये हो गया 64 पैसे। ये तो था आपका 1947 से पूर्व। अब 1947 के बाद हमने भारत ने क्या किया, दार्शनिक दार्शनिक प्रणाली अपना लिया, दशमलव पद्धति को अपना लिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जो चार आने हैं यहां से शुरू होता अपना, चार आने हैं वो आपका 25 पैसा हो गया, कितना हो गया 25 पैसा, और आपके पास आठ आने हैं वो 50 पैसे हो गए, और 12 आने ये आपके पास 75 पैसे हो गए, और 16 आना आपके पास 100 पैसे हो गए। 100 पैसे का एक रुपया बनता है, ठीक है सर। अभी अभी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते भी है 16 आना बात सही है, इसका मतलब 16 आने पहले मुद्रा हुआ करती थी वो उसकी कीमत हुआ करती थी, इसलिए हम कहते हैं 16 आना बात सत्य है। ये अपने पास पुरानी पद्धति है। इसके बाद अपने पास क्या है, हमारी जो मुद्रा है वो रुपया दार्शनिक प्रणाली में स्वीकार किया गया। लेकिन जुलाई 2011 के
बाद, ठीक है ना, 25 पैसे व इससे कम मूल्य की मुद्रा का चलन बंद कर दिया, ठीक है दोस्त। उसके बाद सारी सारी मुद्रा 25 पैसे और उससे कम की मुद्रा जी थी उसका चलन इसने भारत सरकार ने बंद कर दिया। अब ये बात आती है कि रुपया जो है अपने पास भारत सरकार बनाती है, बनाती है तो इसका मैनेजमेंट कौन करता है, कौन इसको बनाता है। देखिए क्या है, जो भारत में मुद्रा चलती है वो किस का चलन कहाँ से होता है, कौन उसको मैनेजमेंट करता है, उसके उसके लिए अपने हिंदुस्तान में क्या आरबीआई है, क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। इसकी स्थापना जो है आपकी 1 अप्रैल 1935 को। अब इसकी स्थापना कैसे हुई, किन के द्वारा हुई, इसके लिए क्या है, हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ठीक है ना, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब है आपका भारतीय मुद्रा उसकी उसकी उत्पत्ति और उसका समाधान, उसके तहत ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्त। ये उसी के मार्फत उसी के कारण आपने और जो मुद्रा की गई थी वो आपका है रुपया, क्या है भारतीय मुद्रा, क्या है रुपया, जिसका प्रतीक जो है आपका इस प्रकार से लिख के यहां काट देते हैं इसको, ये आपका रुपए का प्रतीक है। इसका आईएसओ मानक जो है भारतीय मुद्रा का वो है INR। देखिए प्रतीक का मतलब जैसे डॉलर है अमेरिकन डॉलर इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये डॉलर ये भारतीय मुद्रा का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने के लिए भारतीय मुद्रा को किस प्रकार से लिखा जाए तो इसको इस प्रकार से रुपया लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो डिजाइन दी गई है ये डिजाइन जो आपके डॉक्टर उदय कुमार ने जो ये डिजाइन आपकी बनाई थी, तो इंडिया की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक के अनुसार हुई थी। अब ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रुपयों का रुपयों की छपाई करवाता है, रुपयों का सारा मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास होता है, तो क्या है रिजर्व बैंक चाहे जितने नोट साध सकता है, नहीं साधती हूँ। इसके लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट जिसे विदेशी मुद्रा है कुछ सोना है डिपॉजिट करना पड़ता है, उसी के अनुसार वो मुद्रा छाप सकता है। अब मुद्रा छापने की बात आती है तो देखिए जैसे 1 रुपए का नोट की बात करते हैं, 1 रुपए का नोट जो है आपका क्या है, ये वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार, कौन है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्रालय छापता है, ठीक है ना, केवल मात्र 1 रुपए का नोट, और इस पे साइन किसके होते हैं वित्त सचिव के, किसके होते हैं साथियों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद केवल आपके पास जैसे 2 रुपया है 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, आपके पास 2000, इन सब पर आपका
आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपने नोट देखा होगा, मैं धारा को अदा करने का वचन देता हूं, उसके नीचे आपके देखिए आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। उस नोट पर भाषाएं लिखी होती है, कितनी भाषाएं नोट के ऊपर, देखिए आपके पास नोट के ऊपर 17 भाषाएं होती है। कितनी होती है? 17 भाषाएं होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी भाषाएं। अब बात आती है कि ये नोट तो छप गए, लेकिन छपते कहां हैं? ठीक है ना, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे ISPCPN, ISP का मतलब होता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, और इसका मतलब होता है करेंसी प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट। ये यहां पर अपने क्या है, नोट छपते हैं। अब सिक्के जो है, सिक्के कहां कहां छपते हैं? सिक्के की जो जहां छपते हैं उसको हम टकसाल के नाम से जानते हैं। किसके साथ से? टकसाल। किसके नाम से? टकसाल से। अब आप टकसाल के नाम किस प्रकार से याद है, यहां से आते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं, सब्जी में नमक है। हाँ जी साथियों, आपको क्या करना, यही याद करना है, नमक नमक है। नमक का मतलब नोएडा, मैं का मतलब महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई है अपना, मुंबई। और के का मतलब कोलकाता, और है का मतलब हैदराबाद। ये आपके पास देखिए नमक है से नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। नोएडा के अंदर नई मशीन है, क्या है, नई मशीन है। और आपके पास मुंबई और कोलकाता के अंदर आपकी यहां पर पदक या तमगे, नमक या पदक और तमगे का निर्माण भी होता है। जो खेल कूद में पदक दिया जाता है खिलाड़ी को, स्वर्ण पदक है, सोने का पदक है, तो वो यहां मुंबई और कोलकाता दोनों ही टकसालों के अंदर बनाए जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, ठीक है। इसमें 500 व 1000 के नोट बंद कर दिए। कितने बंद किए, 500-1000 के नोट बंद कर दिए सरकार ने। नए नोट चालू किए, वो 10 का भी नया है, 20 का भी है, 50 का है, 5 का भी है, और आपके पास 200 का नोट है और 2000 का नोट है। ये आपके पास नए नोट है, क्या है, नए नोट केंद्र सरकार ने चला दिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम जो दार्शनिक प्रणाली में पढ़ते हैं, जैसे पहले आपने क्या कहा, चवन्नी या चार आना, क्या है, चवन्नी या चार आना, यानी 25 पैसे। इसका मतलब क्या था, 25 पैसे। इसका मतलब बताओ भैया, हमने पहले आने के बारे में दार्शनिक प्रणाली पहले पढ़ी है, लेकिन अब हम इसकी क्या बदलना चाह रहे हैं। जैसे 25 पैसा है, इसको मैं रुपए में बदलना चाह रहा हूं। किसे बदलना चाह रहा हूं, तो इस पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो आप क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग देते हैं। रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 पैसे, इसको रुपए में बदलना है, तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, 25 × 25 = 100 = 1/4 रुपए, ठीक है ना। 25 पैसे या चार आना, यानी 25 पैसे का मतलब हो गया 1/4
चार हो गया है, या अपने पास 58, ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम है, कंपटीशन है, उसमें कभी भी आ जाएगा, अपना सीधा ये लिखना, ये वहां निकाल के का समय अपने पास नहीं होता। 58 का मतलब 8 आना, ठीक है, या 50 पैसे, क्या है 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 50/100, ठीक है, 1/2 रुपए। उसी प्रकार 12 आना बराबर 75 पैसे है, और इसको रुपए में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 75/100 यानी 3/4 रुपए। ये आपके पास इस प्रकार से रुपए, पैसों को हम रुपए में बदल सकते हैं। अगर आपके पास रुपए है उसको पैसों में बदलना है, रुपए को पैसों में बदलना है, तो हम 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, जैसे 20 रुपए है, इसको पैसों में बदलना है, 20 × 100 बराबर 2000 पैसे हो गए, ठीक है ना साथियों। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो अपना सवाल जो है कि एक थैली दी हुई है, थैली में 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के हैं, जो क्रमशः 4:5:6 में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए है, कितने साथियों 216 रुपए है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखिए 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया फेस वैल्यू यानी इसका मान वास्तविक होता है, और भारतीय मुद्रा जो अपरिवर्तनशील है, लेकिन विदेश में जाते हैं तो वहां परिवर्तनशील होती है। यहाँ 5 रुपए का मतलब फेस वैल्यू, अपन फेस वैल्यू जानते हैं जातीय मान, जितना है उतना ही रहता है, आपने यहाँ फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू आपका 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, ठीक है ना। उसी प्रकार अपना अनुपात क्या देगा है, 4, 5 और 6, हम क्या कहते हैं इनको एक्स एक्स से गुणा कर लेते हैं और यहां लिख दिया। अब अपने पास क्या है, इनको गुणा करेंगे, 5×20x, कुल रुपए कितना हो रहे, 5 के सिक्के 4x है, तो इसको गुणा करेंगे कुल रुपए आ जाएंगे, और ये आपके पास 10x और ये आपके पास 6x, ठीक है। अब ये कुल मिला के अपने पास क्या है, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अपने पास कितने, कुल 216 रुपए बन रहे हैं। कितने देगा इसने, कुल जितना रुपया बना, ये तो आपके पास रुपया 5 का सिक्का, ये उसका कितने सिक्के, वो 4x है हुई है, ठीक है, और ये कुल रुपया 5 का रुपया कितना, वो ये 2 का रुपया कितना है, 1 का रुपया कितना है, कुल मिला के हो गया कुल 216 है, ठीक है। इनको हम जोड़ते हैं अपने पास 36x बराबर 216, ठीक है ना, x बराबर 216/36 बराबर अपने पास ये आएगा, काटेंगे तो अपने पास 6 आएगा, x का मान 6 आ गया। तो अपने पास 5 रुपए के सिक्के, क्या था, 5 रुपए के सिक्के बराबर अपने पास क्या है, बराबर 4×6, x का मान कितना आया, 6 आया, x का मान कितना अपने पास 6 है, अपने पास 24 सिक्के, ठीक है। इसी प्रकार ये 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए के सिक्के, तो अपने पास क्या आएगा, 2 के कितने 10x, 10×6 बराबर 60 सिक्के, कितना लिखेंगे 60 सिक्के, और 1 रुपए के सिक्के बराबर अपने पास क्या आएगा, आपके पास 6x है, 6×6 बराबर 36 सिक्के, ठीक है। आपने को 5 का पूछा है, 5 का आपके पास क्या है, सी में है, आपका आंसर क्या लेगा, सी। अगला प्रश्न, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, 5:6:8 में है, यदि थैली में कुल 210 रुपये हो, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए साथ, हमने पहले सवाल किया वो सब रुपए में था,
यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं इनको रुपए में, एक का फेस वैल्यू जातीय मान एक ही होता है 1 रुपया, इसको हम क्या करते हैं रुपए में बदलते हैं। इसमें बदलेंगे साथियों, रुपए में 1/2 रुपये हो जाएगा और ये 1/4 रुपये हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी भी सवाल करने से पहले बताया है। अब अपने पास इनका अनुपात क्या है, 5, इसको x लिखेंगे, 6x लिखेंगे और 8x लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इनको गुणा करते हैं, ये हुए 5x और यहां पर देखिए ये 1/2 × 6x कट जाएगा, अपने पास 3x आएगा, कितना आएगा 3x, यहां 3x हो जाएगा। ये 1/4 × 8x, ये 2 × 2x, ठीक है ना, ये 2x हो गया, कितना हो गया 2x। इनको जोड़ लेंगे, योग कितना देगा 210 देगा, कुल कितना देगा, कुल योग 210 है। अपने पास इनको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या है, 5 × 3 = 8 = 2 = 10, 10x = 210, x बराबर अपने पास क्या 210/10 यानी 21। x का मान कितना आया अपने पास 21 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, ठीक है दोस्त, 1 रुपए के सिक्के कितना है 5x, 5x कितना है 5x, 5 × 21, 21 = 105, अपना आंसर क्या रहेगा बी। इसी प्रकार 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं अपने को, 50 पैसे के सिक्के तो अपने पास क्या है, एक आपके पास 6x है, कितना है ये 6x बराबर 6 × 21 यानी कि 6 × 12 126 सिक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार 25 पैसे के, 25 पैसे लेंगे अपन, 25 पैसे के अपने पास कितने हैं 8x है, तो अपने पास 8 × 21 यानी 8 × 16 168 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अपने पास अगला प्रश्न है, 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई है, आपके मंगलयान की छपी हुई है। प्रथम डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है, आपकी प्रथम डिजिटल मुद्रा है बिटकॉइन, क्या है साथियों बिटकॉइन। 500 के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, लाल किला बना हुआ है। बुल एंड शेयर शब्दावली का संबंध किससे है, यह आपका शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से है। एलोरा की गुफाएं किस नोट पर छपी हुई है, ये 20 रुपए का जो नया नोट आया है उसके ऊपर है। ठीक है साथियों, अगर हमारी बताई हुई चीजें आपको अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।